शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कब तक मुझे एक चौकी से दूसरी चौकी शिफ्ट करते रहोगे आखिर कब तक? जब तक तुम्हारे ग्रुप को कमांडर विजय गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक। जब तक तेरे जैसे देशद्रोहियों को खत्म नहीं कर देते तब तक। चल अंदर, चल हट। हम तुम्हारी वफादारी और बहादुरी से बहुत खुश हुए। वाकई तुम जाबाज हो गुरु। मास्टर, जाबाज हम नहीं बल्कि ये है। तुम? हाँ, लेकिन तुमने तो हमारा काम करने से इनकार कर दिया था। हाँ, मैंने आपके साथ काम करने से इनकार किया अजय शालू, और आज मैं आपके साथ हूं अजय शालू का भाई कमांडो विजय। मैं किस मकाम पर हूं नहीं है खबर मुझे। मुकद्दर ने मारा कैसा ये खंजर मुझे। मंजिल पे आके अपनी अजब हादसा हुआ। मैं धड़कन को भूल गया और मेरा दिल मुझे। राजू, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसी कौन सी बातें जो तुम मुझे बता नहीं सकते? शालू, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे गलत मत समझना। साथ चीनी मरने की कसमें खाई थी और अब साथ छोड़ के जा रहे हो? राजू, तुम्हें मेरी कसम, बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी है? बताओ, क्या तुम मेरे भैया से मिले थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? हमारे रिश्ते से साफ साफ इनकार किया है। साजी ने मरने की जो कसमें खाई थी, तुम्हें उन्हीं कसमों की कसम। ये गांव छोड़ के मत जाओ। मैं आप भी जाके भैया से बात करूंगी। भैया, आपको क्या अधिकार है मेरे प्यार के बीच आने का? क्या क्या आपने भाभी से प्यार नहीं किया? प्यार करके भाभी से शादी नहीं की? तो अगर आज मैं किसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आप हमारे बीच दीवार क्यों बन गए? बोलो भैया, क्या अधिकार है? क्या अधिकार है आपको? इससे अधिकार पूछ रही है? पिता समान भाई से अधिकार पूछ रही है तू? अरे, ये इतना महान है, इसके सामने मेरे अधिकारों की भी कोई कीमत नहीं है। अगर आज मेरा बेटा मेरा अपना विजय भी होता, इतने फर्ज नहीं निभाता जितने इस बेटे ने निभाए हैं। दुनिया के सारे बेटे अपनी मां के कोख को दर्द देकर जन्म लेते हैं, लेकिन ये तो वो बेटा है जिसने मेरी कोख को दर्द नहीं दिया बल्कि मेरी सारी जिंदगी के दर्द दूर कर दिए। इसने हमारे लिए अपनी सारी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। इसने कभी अपने घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसके अपने कहाँ हैं, किस हाल में है? इसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। एक माँ का सगा बेटा बनकर जीता रहा। माँ, तुम मुझे अस्पताल में मालूम हो चुका था बेटा कि मेरा अपना बेटा मर चुका है। अपने बेटे को खोने के गम में मेरा कलेजा तो फट गया था, लेकिन तुझ जैसे बेटे को पाने के लालच में मैं जरा स्वार्थी हो गई। इसलिए मैंने अपनी जुबान पर ताले लगा लिए ताकि हमारे बीच ममता का जो ये रिश्ता है उस पर कोई आंच ना आए। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा मसीहा है। इस घर में वही होगा जो मेरा बेटा चाहेगा। चल, पैर छू इसके। भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अरे भाई, तुम लोग गांधी आश्रम छोड़कर कहां चल दिए?
बस जी, हमने अभी टिकट भी खरीद लिया है, अब हम चलेंगे। क्यों भाई, हमारे आश्रम का खाना और हवा पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, खाना भी पसंद है, हवा भी अच्छी है, लेकिन यहाँ का माहौल जरा ठीक नहीं है। क्यों, माहौल में ऐसा कौन सा तूफान आ गया? मास्टर जी, ऐसा है, ये तो मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करते रहेंगे कमांडो की बहन से, मगर कमांडो ने इनके मुंह में गरम गरम आलू दे दिया है। अब आशिक का मुंह भी जल गया है, दिल भी जल गया है। हम नहीं जलेंगे, हम चलेंगे। अरे अरे हाँ। देखो बच्चों, कामयाबी नाकामयाबी, हार जीत, ये तो धूप छाओं की तरह होती है। अभी अगर सुबह है तो थोड़ी देर बाद रात भी होगी, रात होगी तो फिर सुबह होगी, इसलिए अंधेरों से मत घबराओ, उजाले का इंतजार करो। मैं तो कहता हूं कि सोच विचार लो और मेरे साथ गांधी आश्रम चलो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। सर, सामने वाली पहाड़ी के पीछे ही लाश मिली है। सर, लाश बुरी तरह से सड़ चुकी है, सिर्फ जूते नहीं सड़े। सर, ये वही जूते हैं जो हमने अपने उस ऑफिसर को पहनाए थे जो डीडी के गैंग में घुसकर हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने वाले थे। निकालो जूते। सर, इसमें जरूर कोई इंफॉर्मेशन होगी। जवान, इसे फॉरन लेकर जाओ, प्रिंट करवाओ और फॉरन हमारे पास लेकर आओ। यस सर, क्विक। तुम्हारी बीवी की पीठ पर जख्म का कोई ऐसा निशान है? नहीं सर। जाओ गौर से देखो, अगर उसकी पीठ पर ऐसा निशान है तो वो मुजरिम है, दुश्मन देश की जासूस है वो। ऐसी नजरों से क्या देख रहे हो? मॉडर्न ड्रेस है, मॉडर्न। आज जरा अलग नजरों से देखो ना। उसी नजर से तो देख रहा हूं, मगर चारों तरफ आईनों का साया दिखाई देता है, समंदर के पास है फिर भी बंदा प्यासा दिखाई देता है। समझ न सकोगे तुम हमारे दिल की आग को, और जब समझोगे तो भूल जाओगे अपने आप को। वाकई मणि, मैं सब कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। तुम्हारी बीवी की पीठ पर कोई निशान नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। तुम झूठ बोल रहे हो कमांडर विजय, और याद रखो, जुर्म को छुपाने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम होता है जितना कि जुर्म को करने वाला। सर, आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं खुद आपको अपनी पत्नी की पीठ दिखाने को तैयार हूं। विजय, सॉरी सर, मेरी पत्नी आपकी बेटी समान है, और अगर बाप बेटी की पीठ देख ले तो कोई पाप नहीं है। Yeah.
कामिनी, कामिनी तू तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। कॉलेज में मैं हेरोइन लेती थी, चरस पीती थी, आज भी पीती हूँ। ना डैडी से तुम मेरी शिकायत करती, ना डैडी मुझ पर गुस्सा करते, और ना ही मैं यहां होती। मेरी प्यारी सी बहना, मेरी बर्बादी का कारण तुम हो। तुम्हारे ही कारण मैंने घर छोड़ा था। हाय कामनी। हे 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 ए बेबी, पहचान तो नहीं अपुन को क्या? अरे अपुन टोनी, टोनी उस दिन डिस्को में मिला था यार। ए ए बेबी, होल्ड इट होल्ड इट, ये सी 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 दिस सी सी दिस, पहचाना पहचाना? काम करी क्या? ए वेल डन वेल डन वेल डन। हमें इसी गद्दार की तलाश थी, जिंदा या मुर्दा। हमारी दुनिया का बहुत ही खतरनाक आदमी था ये, और तुमने उसे मार डाला। मतलब तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो और हसीन हो। इंसानों की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। उसके बाद यही मेरी दुनिया बन गई, और अब मैं तेरे पति कमांडो विजय के पास उसकी पत्नी बनकर जाऊंगी, और वो तमाम मिलिट्री सीक्रेट्स हासिल करूंगी जो हमारा मिशन है। कामिनी, कामिनी नहीं, शट अप। भगवान के लिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कामिनी, ऐसा मत करना। लाओ, लो ना। जी। अरे भाई क्या है, कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आ, आ, अरे भाई कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आजकल की पत्नियों को हो क्या गया? खाना पकाती है म्यूजिक, कपड़ा धोती है म्यूजिक, अभी घर की सफाई भी करी हो भी म्यूजिक है ना। आप बैठिए ना, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। अरे रे 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 रे, एक मिनट एक मिनट। जी क्या? ना कपड़े उतारे, ना घड़ी उतारी, ना वो क्या हुआ? आज काम करते वक्त कमर में थोड़ी मोच आ गई, इसलिए। तो फिर बैठो बैठो, मैं तुम्हारी कमर में मलहम लगा देता हूँ। नहीं नहीं, दर्द दर्द इतना ज्यादा नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। आज कुछ गड़बड़ है। अरे आपने तो अभी तक पति की थकान दूर करने की आइटम तक नहीं दी। जी जी, भूल गई। करो। एक मिनट, आज तो स्पीड कमाल है। क्या करूं, आज बालम पर ज्यादा प्यार आ रहा है। अच्छा फिर तो हो जाए। कमांडो विजय। हाँ अरे मोहिनी, गर्म पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। हाँ जी, अभी ले। सुनो, मास्टर को चौकी नंबर 17 में शिफ्ट करना है, पूरी खबरदारी के साथ चारों तरफ सख्त पहरा लगा दो। ओवर।
हाँ कामनी, कोई मैसेज? आज मास्टर को 17 नंबर की चौकी में शिफ्ट किया जा रहा है। कब तक मुझे एक चौकी से दूसरी चौकी शिफ्ट करते रहोगे आखिर, कब तक? जब तक तुम्हारे ग्रुप को कमांडर विजय गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक। जब तक तेरे जैसे देशद्रोहियों को खत्म नहीं कर देते तब तक। चल अंदर, चल अंदर। हम तुम्हारी वफादारी और बहादुरी से बहुत खुश हुए। वाकई तुम जाबाज हो गुरु। मास्टर, जाबाज हम नहीं बल्कि ये है। तुम? हाँ। लेकिन तुमने तो हमारा काम करने से इनकार कर दिया था। हाँ, मैंने आपके साथ काम करने से इनकार किया अजय शालू, और आज मैं आपके साथ हूं अजय शालू का भाई कमांडो विजय। उसने मुझे थितकारा है, मेरा प्यार मुझसे छीना है, मैं उसकी जिंदगी छीनना चाहता हूं, उसे बर्बाद और तबाह देखना चाहता हूं। बहुत आगे जाओगे जिंदगी में, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि नफरत की ज्वाला ज्वालामुखी से भी ज्यादा भयंकर होती है। देखना, एक दिन कमांडो विजय कीड़े मकोड़े की तरह हमारे जूतों पर रेंगता हुआ नजर आएगा। जेल में गुजरे हुए हर पल का हिसाब जो उसे देना है, हर पल का हिसाब। ले ले। मास्टर, आपको जब मेरी जरूरत पड़े तो मैं गांधी आश्रम में मिलूंगा। गुड बाय। वेलकम मास्टर। तुम लोग जाओ। आजादी मुबारक हो मास्टर। वाह काली टोपी लाल रुमाल, मुझे जेल से छुड़वाने के लिए सही आदमी को चुना था तुमने, जो कमांडो विजय से नफरत करता है और उसकी नफरत में हमारी कामयाबी है। कामिनी, कामिनी यह। कामिनी, हमारा मिशन कामयाब हो गया। ओके। कमांडो विजय, आप चुपचाप हमारे साथ चलो। तुमने जरा भी हरकत की तो मैं तेरी बीवी को शूट कर दूंगा।